सो लिंक्डइन प्रोफाइल, सो गोल क्या है हमारा लिंक्डइन में, प्रोफाइल में जॉब हो सकता है या तो हायरिंग हो सकता है एचआर के लिए, अगर आप इंडिपेंडेंट अगर आप जॉब के लिए कर सकते हो, या हायरिंग के लिए, या बीडीई के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तीन गोल आपके हो सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका, तो प्रोफेशनल नेटवर्क है। सो अगर आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज है तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। कैसे करोगे आप, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, तो आपको सबसे पहले अगर आप प्रोफाइल की हम लोग बात करें, तो आपकी प्रोफाइल बनानी है विथ 100% डिटेल्स। ठीक है, जिसमें आपको हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपकी स्किल्स, उसके बाद आपका रिकमेंडेशन, आपको किसी को लेना है तो एजुकेशन। ठीक है, आप किसको अगर फॉलो करना है तो आपको किसी को वो कर सकते हो। ठीक है, और आपको हाँ जॉब के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लुकिंग फॉर जॉब और हाय। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आपकी प्रोफाइल फोटो, बैनर, ये सब कुछ आपका परफेक्ट होना चाहिए और 100% प्रोफाइल होनी चाहिए और रेगुलर पोस्टिंग होना चाहिए इन लाइन विथ योर इंडस्ट्री एंड हेल्पफुल फॉर टारगेटेड ऑडियंस। केपीआई क्या रहेगा, आपके फॉलोअर्स कितने बढ़े और आपके एंगेजमेंट क्या है। ठीक है, क्लियर। चलो लिंक्डइन कंपनी पेज, गोल क्या है। मुझे तो बहुत, आई रियली फील सरप्राइज कि इतने कम टाइम में इतने वो आ गए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन कंपनी पेज में व्हाट यू कैन डू, आपका गोल क्या रहना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स मिले, राइट, और बेनिफिट क्या है इसका, तो आप आपकी कंपनी के पेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ब्रांडिंग, यस यू आर राइट, ब्रांडिंग में आप हेल्प कर सकते हो और टैलेंट हायरिंग में भी ये हेल्प होगा। अगर कोई आप आपकी कंपनी में जॉब लेना चाहता है तो उसको भी ये दिखेगा। कैसे करोगे आप, सो आप दो, जब आप पहले स्टेप पर जाओगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। आपको कंपनी के लिए पेज क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, दूसरा क्या था, एजुकेशन, और तीसरा था शोकेस पेज। ठीक है, तो ये तीन में से आपको, अगर ऑलरेडी कंपनी का पेज बना हुआ है तो आपको क्या बनाना है, शोकेस पेज, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग का बनाया, और अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो एजुकेशन के लिए बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपकी कंपनी का नाम है, पेज नेम है या सर्विस नेम है, लोगो है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपकी सर्विसेज है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज कितने हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, व्हाट अदर थिंग्स यू कैन डू, रेगुलर बेस पर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और लीड फॉर्म भी बना सकते हो। क्लियर है सबको, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो 100% डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, और क्रिएट पेजेस फॉर ऑल दी ऑल द सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। ठीक है, केपीआई क्या रहेगा इसका, फॉलोअर्स, उसके बाद कमेंट, लीड्स, ठीक है, और एंगेजमेंट। क्लियर है सबको,
चलो लिंक्डइन एड्स, गोल क्या है हमारा? ब्रांडिंग या लीड जनरेशन? ठीक है, और B2B, B2B के लिए चलेगा, B2C के लिए नहीं चलेगा फ्रेंड्स, और ब्रांडिंग भी B2B के लिए ही चलेगा। B2C में तो आपको धुलाई हो जाएगी, मानी आप ROI नहीं मिलेगा, राइट? बेनिफिट्स क्या है इसका? तो आप यू कैन टारगेट, मैं ऑडियंस दिखाऊंगा ना तो आपको ज्यादा आएगा, कंपनीज एंड डेडिकेटेड प्रोफाइल्स। अगर मुझे ऐसा है कि भाई इंडिया में जितने मैन्युफैक्चरर है ना उसी को टारगेट करना है ना, तो मैं कर सकता लिंक्डइन से, वो गूगल एड से या मेटा से नहीं हो सकता, राइट? तो आप कंपनीज, अगर मुझे ऐसा है कि इंडिया में 500 कंपनी है जो जिसको मुझे सिर्फ उसके डेडिकेटेड प्रोफाइल को मुझे दिखानी है, जैसे सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, सीईओ है, तो मैं दिखा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लिंक्डइन। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले बिजनेस मैनेजर आओ, अगर आप कंपनी हो तो, अगर नहीं हो तो डायरेक्ट आप एड्स में जाकर, एड्स मैनेजर में जाकर आप कैंपेन ग्रुप्स है उसको क्रिएट कर सकते हो, कैंपेन को क्रिएट कर सकते हो और एड्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट जो है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यू विल फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ AI। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो लिंक्डइन पेड एड्स कॉपीज। ऐसा कि वहां लिंक्डइन पोल है तो लिंक्डइन पेड एड कॉपीज, एक मिनट हो फ्रेंड्स, मैं इसको नीचे रख देता हूँ। बिकॉज दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो पेड एड कॉपीज है ये, न्यू ऑडियंस, ऑडियंस के लिए है ये, ये भी ऑडियंस के लिए है। चलो मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको, ये ऑडियंस के लिए है, लिंक्डइन एड्स ऑडियंस, राइट? ये ऑडियंस के लिए है। ओके, तो मैं ये ऑडियंस के लिए बनाया है ना, मैं इसको H1 H2 कर देता हूँ, और ये Part 1 Part 2 को H3 कर देता हूँ। और उसको मैं इसके ऊपर जो है उसको ऐड कर देता हूँ, लिंक्डइन एड्स, लिंक्डइन एड्स, इसको मैं H1 कर देता हूँ, दैट विल सफाइस द पर्पस। ठीक है, ओके। सो ऑडियंस को अगर आपको ढूंढना है ना फ्रेंड्स, जो मैं आपको कमिंग लेक्चर में बताऊंगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको ये करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो न्यू ऑडियंस के लिए। और अगर आपको पेड एड कॉपीज बनानी है तो यहाँ से बना सकते हो, एड्स फॉर्मेट ये आप कर सकते हो, और एड्स का टेक्स्ट, ठीक है? तो ये चारों की चारों चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? और एड्स के जो कॉन्सेप्ट है, तो ये आप लीड मैग्नेट के प्रॉम्प्ट से उसको देख सकते हो, ठीक है? ये ऑलरेडी बना है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। लीड मैग्नेट, लीड मैग्नेट पता है ना सब लोगों को? किसको पता है लीड मैग्नेट? कौन बताएगा लीड मैग्नेट के लिए? यस, लीड मैग्नेट कौन बताएगा?
कोई नहीं, किसी को नहीं पता है लीड मैग्नेट के बारे में? प्रियंका, बॉनी, नेत्रा, तीशा, लीड मैनेजमेंट द वे वी एथलेट दैट अटम्बल्ड टू फील अ फॉर्म फॉर्म फॉलोअर टू फील अ फॉर्म जंप कुछ फ्रीबीज देना है, कुछ फ्रीबीज देना है, आ जाओ कुछ फ्रीबीज देना है जिससे जिससे हमें जिससे हम हमें लोग कांटेक्ट करें। जैसे मैन्युफैक्चरर, आप उसमें उसको दे सकते हो कि भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से 3 प्लेटफॉर्म है सबसे ज्यादा लीड जनरेट करने के लिए, या लिंक मैन्युफैक्चरिंग को, मैन्युफैक्चरिंग की लीड को किस तरीके से मैनेज करना है। तो जो भी उसके पेन पॉइंट है ना, उसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिखाकर उसको फ्रीबीज दे सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है, एक्ट लाइक दिस दिस, कैन यू सजेस्ट टॉप फ्रीबीज। देखो मैं यहाँ पर इसको ही दिखा देता हूँ। चलो, आप लोग तो यार किसी को याद नहीं है। आई वॉज रियली सरप्राइज, मैंने इसका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ईबुक और व्हाइट पेपर। दूसरा है फ्री कंसल्टेशन और ऑडिट, इसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। कस्टम आरओआई कैलकुलेटर, केस स्टडी, राइट? ठीक है, इसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। इसको आप ऐड में यूज कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस, लीड मैग्नेट को यूज करो, उसके बाद कैलकुलेट आरओआई बिफोर यू स्टार्ट एड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेक योर क्लाइंट अवेयर अबाउट दी, मेक योर क्लाइंट अवेयर एंड क्लियर केपीआई, कॉस्ट पर लीड, नंबर ऑफ लीड्स, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, नंबर ऑफ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग रुकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे एंड डिस्कस द प्रोफाइल, एक्स मनी, ट्विटर एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।